पुलिस विभाग में आरक्षी पद की भर्ती पोल टेक्निकल कॉलेज बड़ू के ग्राउंड में शुरू हो गई है, जिसमें काफी संख्या में युवा पहुंचकर मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं। आज बड़सर के लगभग 1252 युवाओं ने मैदान में अपना दमखम दिखाया। इसके अलावा 13 सितंबर को टौनी देवी और भोरिंस, 14 सितंबर को हमीरपुर और सुजानपुर और 15 सितंबर को नदौन के उम्मीदवारों के लिए भर्ती का आयोजन होगा। इसके उपरोक्त पदों के लिए आवेदन किया है उन्हें बुलावा पत्र पुलिस थाना के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। वहीं एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि जिला में पुलिस विभाग में 84 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके तहसील के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया करवाई जा रही है। इसी के चलते आज बड़सर तहसील के युवाओं के लिए भर्ती करवाई जा रही है। बड़सर में 1252 अभ्यर्थी बड़सर के 1252 अभ्यर्थी आज मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को बुलावा पत्र तिथि से पहले किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं होता है, तो वे अभ्यर्थी दिए गए भर्ती के स्थान पर असल और छाया प्रति दस्तावेज सहित, जिसमें मैट्रिक जमा दो श्रेणी, उप श्रेणियां, IRDP, SC, ST, OBC प्रमाण पत्र, चालक उम्मीदवारों के भारी और लाइसेंस, बोनाफाइड हिमाचली पंजीकरण, रोजगार कार्ड, होमगार्ड के कर्मियों का अनुभव प्रमाण पत्र व 5 पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन के साथ भर्ती के लिए हाजिर हो सकता है। जिन अभ्यर्थियों व उम्मीदवारों ने IRDP, SC, ST और OBC से आवेदन किया है, वे सभी अभ्यर्थी श्रेणी व उप श्रेणी का असल प्रमाण पत्र, जो 1 जुलाई तक वैध होना अनिवार्य है, सभी दस्तावेजों को भर्ती स्थान पर ला सकते हैं। 2017 इसमें हमीरपुर जिले में टोटल 84 सीट्स हैं, जिनके लिए तहसीलवार हम भर्ती करवा रहे हैं। आज बड़सर तहसील के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जा रहा है। कुल 1252 कैंडिडेट हैं जिनको कि आज बुलाया गया है, और उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक होने के बाद में उनको फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि यहाँ फिटनेस का लेवल अच्छा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो भर्ती चली हुई है और ये 17 तक यहाँ पर भर्ती रहेगी, जिसमें कि अलग अलग तहसीलवार अलग अलग दिन आवंटित किए गए। वहीं युवाओं ने बताया कि आज बड़ू मैदान में पुलिस में भर्ती होने के लिए आए हैं और अच्छा लग रहा है कि सभी को मैदान में दमखम दिखाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि साल में एक बार इस तरह की भर्ती होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदेश विदेश की सेवा करने का मौका मिले। हमारे में भर्ती है और मौका मिल रहा है, मतलब जो भी स्टूडेंट प्लस टू करके निकले हुए हैं, ग्रेजुएट बन रहे हैं, उनको सभी को मौका मिल रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा हो रहा है। तो हर किसी का दिल होता है कि बार बार ही हो जिन पर, चलो मौका बार बार, मतलब साल में एक आधी बार मतलब मौका मिलता है। और ऐसा है बहुत से आए हुए हैं, क्या पता किसकी किस्म, मतलब कौन अच्छा करेगा कौन अच्छा नहीं करेगा, ये तो ग्राउंड पे लगेगा पता जाके। गलाओं में अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं यहाँ पे आया हूँ भर्ती के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तस्वीर से आया हूँ, भर्ती देने हमीरपुर आया हूँ जी। मेरे पास NCC सर्टिफिकेट है और मैं चाहता हूँ कि साल में एक बार भर्ती होनी चाहिए, और इसमें युवाओं को मतलब मौका मिलता है और निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब ये 8 बजे के आए हम। खुशी की बात है कि यहाँ पर भर्ती वगैरह है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, थोड़ा धूप वगैरह में बैठे हैं, यही दिक्कत है। और प्रोग्रामिंग जो है वो तो ठीक है इनकी, बट थोड़ा सा ये है कि।